जैसा ज़माना बदलता है उस तरह हर चीज़ें बदलती रहती है, तो अक्वेरियम में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। शायद हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। पहले क्या होता था, अक्वेरियम नीचे रखते थे, बाद में स्टैंड रखना स्टार्ट किए, बाद में एक्रेलिक आना स्टार्ट हुआ, बाद में एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास आना स्टार्ट हुआ, बाद में बहुत सारा स्टार्ट हुआ। तो आज एक आपको यूनिक जो है एक नया टैंक दिखाने जा रहा हूँ, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा ऐसे वीडियोज़ में। तो टीवी एक्वेरियम कह सकते हो उसको, टीवी एक्वेरियम जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरह लगता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये मैं लेके आया हूँ गिफ्ट आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए कि कैसा ये सेटअप होने के बाद दिखेगा। आपने स्टार्टिंग ट्रेलर में देख चुके होंगे। तो मैं लेके आया हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं हैंगिंग वॉल टीवी लेके आया हूँ। वॉल टीवी जैसा एक एक्वेरियम है जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बनाया सोच के एक्रेलिक में। एक्रेलिक है, इतना फूटता नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हो। हैंगिंग है, आप किचन में लगाओ, हॉल में लगाओ, या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर डेमो दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इस तरह का है, यहाँ पर आप हैंग कर सकते हो, इसमें एक्वेरियम फीचर डाल सकते हो। अभी मैं डेमो के लिए एक थोड़े फीचर्स लेके आऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगा लिया है फांग। मैंने बहुत, इतनी जगह कंजेस्टेड है घर के अंदर, हर जगह एक्वेरियम है, हर जगह घर में एक्वेरियम भर चुके हैं, तो रखने के लिए जगह नहीं है। तो फाइनली ये जगह हम लोगों को खाली लगी, तो यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ। तो इस तरह हैंग कर सकते हो, ऊंचाई में भी हैंग कर सकते हो, नीचे भी हैंग कर सकते हो, किचन में, हॉल में, कहीं भी डाल सकते हो। इसमें फीचर्स डाल के मैं आपको दिखाऊंगा सेटअप करके। एक सिंपल डेमो सेटअप है कि कैसा ये लगेगा सेट करने के बाद। देख सकते हैं यहाँ पर ये लग रहा है। अभी हम इसमें फीचर्स डालेंगे, फीचर डाल के देखेंगे कैसा लगेगा। तो देखिए हम ये सेटअप कर रहे हैं, ये हमारे परमानेंट के लिए मैं घर पे नहीं लाया हूँ, बस डेमो के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह मार्केट में चीज़ें आ रही है दिखाने के लिए आया हूँ। अभी एक सिंपल सेटअप, हम फीचर्स को डायरेक्टली जो है पानी डालेंगे, पानी डाल के फीचर डाल को आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। बाद में इसको रिटर्न करने वाला हूँ मैं। आप मत ये कमेंट करना कि साइकिलिंग नहीं किया, ओवर क्रोड कर दिए, रॉन्ग टैंक में डाल दिए। तो ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये सब डेमो है, डेमो के लिए कर रहा हूँ, फिर रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं इसमें पानी फिल कर देता हूँ। पानी फिल करने के लिए यहाँ पर ऊपर एक कैप भी दिया हुआ है, पानी फिल कर सकते हो, या आप इसमें फूड भी डाल सकते हो ऊपर से। तो पानी फिल कर लेता हूँ। तो देखिए पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पानी डालने के बाद देखिए यहाँ पर एक होल दिया है पीछे से, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हो आप। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यहाँ दिया है, यहाँ से फूड डाल सकते हो, फिशेस ऐड कर सकते हो, पानी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छे से रह लेता है, बेटर देन बॉल, बॉल से तो अच्छा रहता है। तो अभी हम इसमें मेडिसिन डालते हैं। ये है बैक्टोरियल स्प्लैश करके, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल बैक्टीरिया है। अगर इमीडिएटली फिशेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो उस टाइम पे डालना जरूरी है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस फिशेस की हेल्थ के लिए डाल रहा हूँ, ताकि फिशेस को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये डी क्लोरिन है, एंटी क्लोरिन, वो डाल रहा हूँ ताकि फिशेस को कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी प्लांट्स हैं, दो प्लांट डालने जा रहा हूँ, प्लांट्स, ताकि फिशेस थोड़ा ये ब्यूटीफुल लगे प्लांट्स। अभी हम डालेंगे इसमें फिशेस को, गोल्ड फिशेस हैं, टेट्रास हैं। आई नो ये रॉन्ग टैंकमेट्स है, दिस इज रॉन्ग टैंकमेट्स, बट ओनली फॉर डेमो पर्पस आई एम गोइंग टू ऐड। सिर्फ इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी हिंदी में समझ भी नहीं आता लोगों को, फिर कमेंट करते रहते हैं। इसलिए थोड़े टाइम के लिए, बस 10-15 मिनट के लिए हम डेमो पर्पस के लिए डालने जा रहे हैं। कैसा लगता है डायरेक्ट डालने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इसको वेट नहीं कर सकते थोड़े टाइम के लिए, इसलिए बस डेमो के लिए डाल रहे हैं। तो डायरेक्ट थोड़ा डाल देता हूँ, अब बाद में कमेंट मत करना कि प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा डेमो के लिए फीचर्स डालने जा रहा हूं। तो अभी टेट्रास डालने जा रहा हूं, टेट्रास फीचर्स। एक बेटा, आई नो बहुत रॉन्ग टैंकमेट्स आई एम गोइंग टू ऐड, बट जस्ट फॉर डिस्प्ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेटअप मैंने बना लिया, सिंपल सेटअप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर मैंने बेटा फिश डाली हुई है, और थोड़ा टेगर बार्ब हैं, और गोल्ड फिश हैं, और प्लास्टिक प्लांट्स हैं। प्लास्टिक प्लांट थोड़ा लुक अच्छा रखने के लिए डाला है मैंने, और चाहे तो आप फिशेज दूसरे डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं एक सिंपल सेटअप बनाकर दिखाया है। तो ये किस तरह हैंगिंग लगता है टीवी एक्वेरियम है, ये टीवी एक्वेरियम, इसको टीवी एक्वेरियम बोलते हैं। टीवी की तरह लगता है अगर आप घर में रख देंगे। इसमें छोटे बड़े साइज़ में भी अवेलेबल हो जाता है, ये 1 फीट का है, इसमें 2 फीट का भी अवेलेबल हो जाता है, 1.5 फीट का भी अवेलेबल हो जाता है। इससे छोटा भी मिलता है, 6 इंचेस का, वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है डीलर का जिसे मैंने ख़रीदा था। ये 1200 रुपये का मैंने लिया है, 1200 रुपीज़ का आता है ये, 1100-1200 में आपको मिल जाएगा। ऊपर से यहाँ पर देखिए
फूड डालने के लिए जगह भी है, आप फूड डाल सकते हो, 1100-1200 में मिल जाएगा। इसमें छोटा आता है वो भी 600 रुपये का आता है, वो भी आप चाहे तो ले सकते हो। कॉन्टैक्ट करके ले लेना जिससे मैंने लिया है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। कैसा लगा ये सेटअप आपको? सिंपल एक सेटअप है आपको दिखाने के लिए। इन्हें बहुत सारे अभी डिसअपॉइंट होंगे कि रॉन्ग टैंगमेट्स रखा है। भाई बार बार क्यों कह रहा हूँ, लोग कमेंट करते हैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये भाई एक सैम्पल सेटअप है। अभी ये ख़त्म हो जाएगा, इसको निकाल दूंगा मैं। एक्चुअली मैं गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, एक साल एक किसी के हमारे फ्रेंड्स का एक ये है, तो उनको मैरिज के लिए मैंने गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ ये एक्वेरियम। मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख जाए, तो ये गिफ्ट करने के लिए लेके आया हूँ मैं फ्रेंड को। तो सर आप फ्रेंड को गिफ्ट भी दे सकते हो या घर में रख सकते हो। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। तो देखिए दूर से कैसा लगता है, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है। दूर से देखिए काफ़ी और अच्छा लगता है, जितना नज़दीक से ये लगता है उससे अच्छा दूर से लग रहा है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर क्यों रखा हूँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। देखें यहाँ पर टैंक भर चुके हैं, घर के अंदर टैंक्स हैं, टैंक्स हैं। जगह नहीं है कहीं वॉल पे लगाने, कोई जगह वॉल बची नहीं कि रखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर टेम्प्ररी पर्पज़ के लिए लगाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये कैसा लगा टैंक, टीवी टैंक बोलते हैं इसको, टीवी हैंगिंग बॉल या टीवी हैंगिंग टैंक भी कह सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के बहुत से टॉपिक आते रहेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।